आज साल का सबसे लंबा दिन रहा। आज के दिन सूर्य की किरणें आपके ठीक ऊपर से होकर गुजरती हैं और इससे परछाई भी गायब हो जाती है। नो शैडो डे का असर सरगुजा में साफ तौर पर देखा गया, जहां सरगुजा के मौसम वैज्ञानिक AM भट्ट ने नो शैडो डे को बताने के लिए खंभे के जरिए इसका आकलन किया, जिसमें परछाई साउथ से नॉर्थ की ओर गुजरती हुई दिखी है। मौसम वैज्ञानिक से बातचीत की हमारे संवाददाता श्रवण कुमार महंत ने। आज नो शेड्यूल डे है और कहते हैं कि आज के दिन परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक M भट्ट जी हैं। हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आज जो सूर्य की स्थिति होती है वो कर्क रेखा के ठीक लंबवत होती है। कर्क रेखा जो पृथ्वी की एक काल्पनिक रेखा है और ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ठीक ऊपर लंबवत सूर्य की रेखाएँ पड़ती हैं। तो जब दोपहर में 12 बजे ठीक सूरज हमारे ऊपर होता है, ओवरहेड होता है, बिल्कुल लंबवत होता है, उस समय वस्तुओं की परछाई जो होती है वो उसके ठीक नीचे बनती है। वो परछाई हमको नहीं दिखती है, इसलिए हम इसको आज नो शैडो डे कहते हैं। सरगुजा संभाग है, उस हमारे बताते हैं कि यहाँ पे कर्क रेखा भी गुजरता है। हाँ। तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है यहाँ पे? देखिए, हम कर्क वृत्त में हैं और कर्क रेखा यहाँ से करीब 45 से 50 किलोमीटर दूर से बलरामपुर जिले से होकर गुजरती है। तो हालांकि कर्क रेखा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन चूंकि ये जो क्षेत्र हमारा सरगुजा का है ये वन से ढका हुआ है, यहाँ पठारी इलाके ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। लेकिन जो मैदानी इलाके इसके हैं या जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं, जो राजस्थान का इलाका है जो इसी लाइन पर पड़ता है, वहाँ पर बारिश कम होती है और तापमान वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका प्रभाव अगर कहें तो दिन की लंबे सबसे ज़्यादा लंबा दिन रहता है, तो ये किस तरह? हाँ, आज के दिन जो है ये सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध के बिल्कुल अंतिम सिरे पे हैं। आज के बाद सूर्य की किरणें, सूर्य जो होगा पृथ्वी की घूमने के हिसाब से सूर्य की किरणें जो होंगी पुनः भूमध्य रेखा की ओर जानी शुरू हो जाएंगी। आज यहाँ पर इस क्षेत्र में जो दिन की अवधि होगी वो 13.5 से 14 घंटे के बीच रहने वाली है। सबसे लंबी अवधि का दिन आज होने वाला है यहाँ पर। तो सबसे लंबी अवधि का दिन होने का मतलब है कि यहाँ जो सूर्य की किरणें होंगी लंबी अवधि तक पड़ेंगी, तो तापमान इस क्षेत्र में आज थोड़ा सा मतलब बढ़ जाएगा। तो ये थे M भट्ट साहब। 12 बजे का वक्त है और बिल्कुल परछाई गायब हो गई है। तो श्रवण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और अब जिक्र करेंगे राजधानी रायपुर का, जहां सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। इसके लिए लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 मिनट के इस शॉर्ट फिल्म में ट्रैफिक संबंधित जानकारी दी जाएगी। ट्रैफिक नियमों को लेकर लोग 2 मिनट का शॉर्ट फिल्म बना सकेंगे। इन्हें लघु फिल्म महोत्सव के दौरान लोगों को दिखाया जाएगा। इसमें सबसे बढ़िया फिल्म को 80,000 और दूसरे नंबर पर रहने वाली फिल्म को 60,000, तीसरे नंबर पर 40,000 रूपये का इनाम दिया जाना है। सड़क सुरक्षा के प्रति जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में विभिन्न बोली भाषाओं में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है और इसके लिए हम प्रविष्टियां आहूत कर रहे हैं और एक जूरी उन प्रविष्टियों का आकलन करने के पश्चात में उनका निर्धारण करेगी, उनके स्थान का निर्धारण करेगी और उन्हें पारितोषिक भी दिया जाएगा और जो चुनिंदा प्रविष्टियाँ रहेंगी उसका हम प्रदर्शन भी करना चाहेंगे हमारे विद्यार्थियों में, दूरस्थ अंचलों में, बाजारों में और सभी स्थानों में। और छत्तीसगढ़ की खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बीच मध्यप्रदेश की शिवपुरी से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। थिंक गैस के लाइन में अचानक से भीषण आग लग गई है। सिलेंडर फटने की वजह से आग लगना अभी तक सामने आ पाया है। अभी तक यही कारण स्पष्ट किया जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से यहां पर भीषण आग लगी और आग की चपेट में घर भी आ गया है। हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। झांसी तिराहे इलाके की पूरी घटना, इसे लेकर अब लगातार प्रशासनिक स्तर पर भी जानकारी जुटाने की कोशिश, क्योंकि 6 लोग ऐसे हैं जो कि इस पूरी घटना के दौरान घायल भी हुए। तस्वीरें आप देखिए, शिवपुरी की तस्वीरें। थिंक गैस लाइन में सिलेंडर फटने की वजह से अचानक से भीषण आग थकी और धीरे धीरे कर इस आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास रहवासी क्षेत्र है, यह भी बताया जाता है कि घर को अपनी चपेट में लिया इस आग ने और इसी वजह से 6 लोग घायल अवस्था में अस्पताल में सीधे भर्ती करवाए गए हैं। झांसी तिराहे इलाके की ये पूरी दुर्घटना, तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से
भीषण आग लगी। सिलेंडर फटने की वजह से पूरी घटना सामने आई। पास मौजूद घर को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया और स्थिति ऐसी है कि 6 लोग फिलहाल घायल अवस्था में हैं। अस्पताल में फौरन भर्ती करवाए गए। दमकल की टीमें भी यहां पर पहुंची, लेकिन उससे पहले किस तरह से विकराल लपटे इस आग की देखी गई है तस्वीरें। आप देखिए पीछे का हिस्सा जहां अचानक से भीषण आग लगी और साथ ही साथ एक घर को भी चपेट में लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दमकल कर्मी भी लगातार इस पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इस तरह से दमकल कर्मी भी इस आग को बुझाने के लिए तमाम मशक्कत कर रहे थे। मौके पर मौजूदा हालात क्या है ये हम समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी अशोक अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक, मौके पर क्या कुछ स्थिति है अभी? देखिए मैं आपको बता दूं, ये पूरा घटनाक्रम सुपरी के सिटी कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर इलाके का है। यहाँ पर थिंक गैस की लाइन का काम चल रहा था। थिंक गैस की लाइन में अचानक से आग लगी, जिस और वो आग की जो लाइन बनते हुए सीधे ये घर में राठौर परिवार है, उनके घर में आग पहुंच गई और वहाँ सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। इस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से 7 से अधिक लोग उस परिवार के घायल हो गए हैं, जिन्हें शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उसमें से 5 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए। सिंगरौली से अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बच्चे के साथ नहर में एक महिला कूद गई है। 7 साल के बच्चे को लेकर नहर में महिला कूदी, बच्चे का शव पाया गया है। महिला की तलाश अब की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है। घरेलू विवाद खुदकुशी का कारण बताया जा रहा है। विंध्य नगर थाना के डोटी गांव का ये पूरा मामला, डोटी गांव जहां पर ये बताया जा रहा है कि परिवार के बीच आपसी विवाद रहा और इसी वजह से इस महिला ने अपने बच्चे के साथ नहर में छलांग लगा दी। बच्चे का शव बाहर निकाला गया है, महिला की तलाश जारी। तो छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भीषण गर्मी, उमस और लू चलने की भविष्यवाणी की है, लेकिन इसी बीच कुछ जिलों में रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मुंगेली जिले में कई जगहों पर तेज हवा के साथ झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और अगर हम दूसरी तरफ बात कुरेला पिंड और मरवाही की करें तो यहां पर भी मौसम का मिजाज बदला है। कई जगहों पर झमाझम बारिश की स्थिति, ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राजनांदगांव, बलरामपुर, कांकेर और कवर्धा का भी ये दृश्य देखिए, जहां पर मौसम मेहरबान नजर आता है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। योग दिवस पर रायपुर के देवेंद्र नगर से गुजराती स्कूल के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रहे मौजूद। अमित शाह के दौरे की तैयारियों में जुटी पंडवानी गायिका उषा बार्ले के घर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, अमित शाह के दौरे से डरी है कांग्रेस। सीएम हाउस घेराव मामले में बीजेवाईएम के 3 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, थाना प्रभारी पर हमला करने के मामले में भी मुकदमा दर्ज। नक्सली ने की अपने ही साथी की हत्या, नक्सली लीडर मानू दुग्गा का मर्डर। मशहूर गायक मोहम्मद जाकिर हुसैन का निधन, बिलासपुर में ली अंतिम सांस। महासमुंद में मुनका से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ और सामाजिक तत्वों ने अस्पताल में मचाया उत्पात। कांकेर में पुलिसकर्मी ने अनाथ लड़की से रचाई शादी, लड़की के बालिक होने के बाद कांस्टेबल ने लिए साथे। कांकेर में सर्व आदिवासी समाज ने निकाली रैली, कांकेर कलेक्ट्रेट मार्ग पर किया विरोध प्रदर्शन। जगदलपुर में मांगों को लेकर आदिवासी समाज की रैली, एससीएसटी और ओबीसी में स्थानीय भर्ती की मांग। महासमुंद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। बलरामपुर में यात्री बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत, हादसे में 6 यात्री को आई गंभीर चोटें। कोंडागांव में शातिर चोर गिरोह का खुलासा, कोंडागांव पुलिस ने ओडिशा से पकड़े 10 आरोपी। बिलासपुर में 7 किलो गांजे के साथ एक गिरफ्तार, यूपी का रहने वाला है आरोपी रामचरण। रायपुर रिम्स हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, गोढ़ी स्थित रिम्स के 4th फ्लोर पर धधकी आग। सूरजपुर में भूसा गोदाम में भीषण आग, बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड का कर्मचारी झुलसा। बलरामपुर में बदला मौसम का मिजाज, चमक गरज के साथ शुरू हुई बारिश। पिंडरा में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, पतले मौसम से गर्मी से मिली राहत। छत्तीसगढ़ राउंड अप में इतना ही, नमस्कार।